बहुत रोया इमाम हुसैन के मसाइब पर। मैंने ख्वाब के आलम में देखा कि मेरा बदन गोया सरजमीन करबला पे पड़ा हुआ है और गोया मैं शहदाए करबला में से हूँ। अब कहते हैं बदन पड़ा हुआ था लेकिन उठने की ताकत नहीं थी, आंखों से देख रहा था कि जालिम इमाम हुसैन पे तीर फेंक रहे थे। कहते वो कैफियत मेरी ख्वाब में होगी। इसके दोस्त कहते हैं 10 लोग इसको पकड़ने वाले थे लेकिन इसके बदन में इतनी ताकत और जुम्बिश आ गई थी कि तो गोया मेरा दिल फट जाता। अब कह रहे जब घोड़े दौड़े ना तो मैंने महसूस किया कि घोड़े मेरे बदन से दौड़ गए। इवन उनकी टांपें जब मेरे सीने पे पड़ी मैंने वो तकलीफ भी महसूस की। फिर मैं सोच रहा था कि जब ये इमाम हुसैन के बदन से दौड़ाए गए होंगे तो इमाम हुसैन पे क्या गुजरी होगी। तो उस लई ने कहा ना कि इब्ने साद जब मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए, क्योंकि अरबों के यहाँ दो घोड़े होते थे, एक जंग के लिए एक लाशों को पामाल करने के लिए, जब लाशों को पामाल करना चाहा तो वो घोड़े लाए गए, वजनी घोड़े होते थे, पांवों में सुम लगाए जाते थे। तो फख्र से कहने लगा इब्ने साद जब मैंने घोड़े दौड़ाए तो मैंने कानों से हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाजें सुनी।